हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूपीएससी। दिस इज़ ए डेली बेसिस करंट अफेयर्स एमसीक्यू इनिशिएटिव एंड द करंट अफेयर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, विच आर वेरी इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। एंड दीज क्वेश्चंस आर फोकस्ड ऑन बोथ द कंसेप्ट्स एंड फैक्ट्स। Okay, so these are very very important for exams point of view. Today we are going to discuss some important questions of November 2, 2020. Let's begin. Question number first. Vietnam does not share land border विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से किस कंट्री के साथ वियतनाम अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है? फर्स्ट इज म्यांमार, सेकेंड चाइना, लाओस एंड कम्बोडिया। सो इसको मैप में देखते हैं हम यहाँ पे तो आप देखेंगे कि ये वियतनाम है एंड दिस वन इज चाइना, हनोई, लाओस, थाईलैंड एंड कम्बोडिया। तो चाइना के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ में एंड लाओस एंड कम्बोडिया इन द वेस्ट। ओके, सो इट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। सो ए वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन। बाकी जो ऑप्शंस हैं इनके साथ वियतनाम लैंड बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एससीआरबी पावर स्कीम। ओके, तो इसकी बात करते हैं हम। ये एससीआरबी पावर स्कीम क्या है? एससीआरबी इज ए द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। एससीआरबी इज ए द साइंस एंड रिसर्च बोर्ड। ओके, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है ये। अभी ये स्कीम रिसेंटली आई है। इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। इट इज़ लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द स्कीम टारगेट्स वीमेन रिसर्चर्स इन 18 to 55 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, द यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली हैज़ लॉन्च्ड दिस स्कीम एंड द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड इट हैज इट टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज फेलोशिप एंड सेकेंड इज रिसर्च ग्रांट्स। ये वीमेन्स के लिए है एंड द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड और एससीआरबी इट इज ए स्टेच्यूटरी बॉडी है ये। मैंने आपको एक दिन बताया था कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक स्टेच्यूटरी बॉडी होती है। ये स्टेच्यूटरी जो होती है ये पार्लियामेंट ही बना सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं होती है, इनको पार्लियामेंट बनाता है, वो इनेक्टेड बाय लॉ। सो बट द स्कीम ये जो एज का दे रखा है टारगेटेड, इसमें है जो विमेन रिसर्चर इन 35 to 55 ईयर्स ऑफ एज एंड अप टू 25 फेलोशिप पर ईयर एंड नॉट मोर देन 75 एट एन ए पॉइंट इन टाइम। तो ये जो दे रखा है 18 to 55, ये सही नहीं है। ये है 35 to 55 ईयर्स की जो वीमेन्स है रिसर्चर्स, उनको इसमें टारगेट किया गया है। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जूट कल्टीवेशन? जूट कल्टीवेशन की बात हो रही है। देखिए, जूट कल्टीवेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल कितना होना चाहिए, किस टाइप की सॉयल होनी चाहिए। तो जूट कल्टीवेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये वहाँ पे अच्छे से हो पाता है इसका कल्टीवेशन जूट का, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है, रेनफॉल है अराउंड 150 से 250 सेंटीमीटर, 150 to 250 सेंटीमीटर, एंड सोयल टाइप है जो इसका वेल ड्रेन्ड एलुवियल सोयल होना चाहिए। यही रीजन है कि जो टॉप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। इन स्टेट्स में है जो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और ये इट मेनली कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, बिकॉज जो एलुवियल सोयल की बात होती है, रिच एलुवियल सोयल कहाँ पे है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ईस्टर्न इंडिया में, उधर। और वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनमें इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और थाईलैंड है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें से सही कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट कौन सा है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ग्रो जूट इज बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सही है। फेवरेबल रेनफॉल शुड बी अराउंड 150 to 250 सेंटीमीटर, ये भी सही है। सोइल शुड बी वेल ड्रेन्ड एलुवियल सोइल, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट वन। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन कंट्री, ये गलत है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अप्रोक्सीमेट जो रॉ जूट है वो पूरे वर्ल्ड में 50% तो अकेले इंडिया में होता है, और इसका जो जूट गुड्स हैं अराउंड 40%, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका अराउंड 40% इंडिया में होता है। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन कंट्री। नेक्स्ट वन, क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज्ड बाय। रिसेंटली द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज द क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और PLFS फॉर अक्टूबर दिसंबर 2019। ये है जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर का अब रिलीज हुआ है, एंड दिस डेटा सेट डिफर्स फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये जो रिपोर्ट है वो डिफर है, एनुअल रिपोर्ट से अलग है, विच कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, एंड हाउएवर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर अर्बन एरियाज इज रिलीज्ड क्वार्टरली। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है अर्बन एरियाज में है वो इट इज्ड इन अर्बन एरियाज टू 7.9% इन अक्टूबर दिसंबर 2019 कंपेयर टू 9.9% इन अक्टूबर दिसंबर 2018। 2018 के कंपैरिजन में जो 2019 के अक्टूबर दिसंबर की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुई है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन रिलीज करता है? NSO, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है जो NSO, ये इसकी रिपोर्ट रिलीज करता है। नेक्स्ट वन, द इनिशिएटिव फॉर फोकस्ड एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वीमेन विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाई ट्रेन्स फॉर देयर एंटायर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन इज नेम्ड एज। देखिए, ये क्वेश्चन को आप वापस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी रिसेंटली है जो इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल जोन्स
आफ्टर गेटिंग एनकरेजिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम लेडी पैसेंजर्स। लेडी पैसेंजर्स का इस पर रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है, इसलिए इसको अभी सारे जोन्स में कर दिया है रेलवे ने। एंड द इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन सदर्न ईस्टर्न रेलवे, ये सितंबर 2020 में चालू हुआ था इसमें सदर्न ईस्टर्न रेलवे में। लेकिन अभी जितने भी जोन्स हैं इंडिया में रेलवे में सभी जगह इसको लागू कर दिया है। एंड दिस इज मेरी सहेली इनिशिएटिव, द मेरी सहेली इनिशिएटिव। एंड इट इज द इनिशिएटिव फॉर फोकस्ड एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वीमेन अक्रॉस द ऑल जोन्स विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाई ट्रेन्स फॉर देयर एंटायर जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन। ये है जो लेडी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए रेलवे ने चालू की थी सितंबर 2020 में, सदर्न ईस्टर्न रेलवे ने चालू की थी, लेकिन अभी रेलवे के जितने भी ऑल जोन्स हैं उनमें इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज मेरी सहेली। सो होप यू गाइज फाउंड दीज क्वेश्चंस हेल्पफुल और यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू वेरी मच।